हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग मुखिया पर। जब घर में नहीं है कोई सब्जी तब ये सब्जी बनाएं, लाजवाब है इसका स्वाद। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमने ये मूंग लिए, 3 से 4 घंटे भिगो के रख दिया था और एक रात हमने इसको कपड़े में बांध के टांग दिया था, इससे इसमें ये स्प्राउट हो गए हैं। आप इसकी जगह मूंग दाल भी ले सकते हो। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसे हमने अच्छे से पीस लिया है। देखिए ये हमारी दाल पिस गई है। अब इसको हमने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया और यहाँ पे हम मसाले डाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया और 2 पिंच हल्दी डाल दी है और ये हमने लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाला है और 1 पिंच हमने यहाँ पे हींग डाली है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि दाल हमारी पानी छोड़ देगी, इसलिए हम इसमें अभी नमक नहीं डालेंगे, बस इसे अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है और इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, फिर इसमें हम डालेंगे जीरा और 2 पिंच हींग और यहाँ पे हमने प्याज लहसुन मिर्च का अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब इसको भी हम डाल देंगे और इसे अच्छे से पहले भून लेंगे। गैस की फ्लेम अभी हमने हाई रखी है और यहाँ पे हमने 2 चम्मच धनिया ली है और ये हल्दी ली है, गरम मसाला, लाल मिर्च, मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डालें। यहाँ पे हमने सब्जी मसाला डाला है और इसे हम भून लेंगे। मसाले हमें अच्छे से भूनने हैं। अब यहाँ पे हम टमाटर प्यूरी डालेंगे। 2 टमाटर को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसे भी अच्छे से भून लिया। यहाँ पे हमने नमक डाला है स्वाद के अनुसार। ये हमने प्लेट ली है, इस तरह से इसमें होल है और इस पर हमने अच्छे से ऑयल लगा लिया है और यहाँ पे हमने 3 चम्मच दही लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ये ताज़ा दही है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करके ऑयल सेपरेट होने तक हम भून लेंगे। तो देखिए मसाले हमारे अच्छे से हो गए हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही आसान और जल्दी से बन जाएगी। इसमें हमने कसूरी मेथी भी डाल दी है, इसको भी मिक्स कर लिया। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी लिया है, इससे हमारे अच्छे से मसाले तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे हमने प्लेट को डाल दिया है और इस तरह से इसमें हम बढ़िया तोड़ लेंगे। आप इसे अलग भी बना सकते हो, इस तरह से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा और नीचे हमारे मसाले भी अच्छे से हमारे पक जाएंगे। तो बढ़िया हमने तोड़ लिए, इसे हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है। तो देखिए बढ़िया चेक कर लेते हैं, तो बढ़िया हमारी हो गई हैं। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो आसानी से निकल आएंगी। अब हम अपनी ये प्लेट को निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी बढ़िया हो गई हैं। अब इनको हम डाल देंगे अपने मसाले में। तो सारी बड़ियों को हमने निकाल लिया है और हम अपने मसाले में डाल दे रहे हैं। उसे 1 से 2 मिनट अच्छे से पकाएंगे जिससे बढ़िया हमारी अच्छे से मसाले को एब्जॉर्ब कर लें। जब घर में आपके कोई भी सब्जी ना हो तो ये आसानी से आप बना के सर्व कर सकते हो। यहाँ पे हमने स्लिट करके मिर्ची डाल दी है, इसे ढक दिया है। देखिए कितनी शानदार हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसे हमने 1 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। यहाँ पर हमने धनिया हरी डाल दी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। अब ये हम अपनी सब्जी को सर्व कर ले रहे हैं। अगर आप ये सब्जी एक बार बनाएंगे ना तो इसके आगे आपको पनीर की सब्जी भी फीकी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।